कि आप दूसरों का फोटो नहीं, वीडियो नहीं ले सकते हैं, आप अपना वीडियो ले सकते हैं, दूसरे का वीडियो नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो सोचा कि मैं कहीं मेरा ना वीडियो बनाए। और ये तलबिया वाले हैं, ये लोग तलबिया में काम करते हैं। अभी मैं इनसे पूछूंगा कि मतलब इनका किस हिसाब से सिस्टम क्या चीज़ है, क्या फ़ायदा होता है और क्या करते हैं, किस हिसाब से इनका एक ट्रिप पे कितना पैसा मिलता है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तलबिया में आना अच्छा है या नहीं है। अच्छा, भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप तलबिया में रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, तलबिया में काम करते हैं, तलाबात में है। अच्छा, तलाबात में मतलब अभी क्या है सिस्टम है, किस हिसाब से आप लोग का सैलरी पे है या ट्रिप पे है? मेरा पर ऑर्डर पे है। ऑर्डर पे है? ऑर्डर पे कितना मिल जाता है आपको एक ऑर्डर पे? एक ऑर्डर पे 600। अलग अलग कंपनी का अलग अलग है ना? मतलब अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल है यहाँ। एक ऑर्डर पे 600 फिर 700 फिर 900 तक, एक डिनर तक है यहाँ, एक डिनर तक। चलिए अच्छा है, मतलब फ़ायदा है ना अभी? हाँ, फायदा फायदा। अच्छा, मतलब सैलरी पे आना फ़ायदा नहीं है तलबिया में? सैलरी पे भी जो अच्छा दे रही है, खाने पीने को अच्छा दे रही है, अच्छा बन रहा है अपना इंडिया का, बढ़िया बन रहा है, पैसा बन रहा है, अच्छा है। चलिए ठीक है भाई जान, ओके ओके। ये बोल रहे हैं तलबिया में आना, जो सैलरी पे अच्छा कंपनी खाना पीना देती है वो समझिए अच्छा है, नहीं तो आप आइए जो होता है ट्रिप पे। ट्रिप पे आपको टारगेट रहता है कि सैलरी पे आपको टारगेट रहेगा 400, ट्रिप मारने के बाद आपका जो ऊपर जाएगा वो आपको ट्रिप मिलेगा। और ट्रिप में ऐसा रहेगा कि आप जितना ट्रिप मारेंगे 600 700 फिर 900 फिर एक डिनर तक है एक ट्रिप पे, वो सबसे अच्छा रहता है ट्रिप वाला। आप किसी से पूछ लीजिए, ट्रिप वाला बोलेंगे सबसे अच्छी चीज़ होती है ट्रिप वाली। फ़िलहाल मैं अभी इनसे और कुछ बात करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि तलबिया में आना अच्छा बात है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो हाउस ड्राइवर से तो लाख गुना अच्छा काम है तलबात में। और तलबात में आए तो टू व्हीलर में ना आए, फोर व्हीलर में आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से सुना हूँ कि टू व्हीलर वालों का हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो सिटी में है, तो लोग तो देहात में है, जो सिटी में है उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, कभी कभी हादसा भी हो जाता है उनके साथ। तो सबसे अच्छी बात है जिनको फोर व्हीलर चलाने आता है अच्छे से, वो तलाबात में आए फोर व्हीलर में। फिर मैं अभी इन लोगों से बात करके आप लोगों को बताऊँगा तलाबात कितनी अच्छी है और कितनी नहीं अच्छी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, सलाम अलैकुम। आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, आपकी पूरी फैमिली, आप भी। आप मैं उन लोगों से बात किया तलाबात के जो लोग हैं, मैं उनसे अस्थाई में जाके बात किया, तो उन्होंने बताया तलाबात में फ़ायदा तो है लेकिन जो सैलरी पे आता है, आप इंडिया में देख सकते हैं जो भी तलाबात से लड़का आता है, नया या पुराना आता है, पुराना तो नहीं, अक्सर करके नए जो लड़के आते हैं उनको नहीं पता होता कि बाइक में जो आते हैं कि बाइक का तलाबात अच्छा है या नहीं अच्छा है। उनमें भी अच्छा है, बस वो सिटी में ना रहे, वो रहे आउट एरिया में, तो बाइक वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कुवैत में बहुत ज़्यादा होती है, इतना ट्रैफिक होती है कि आप गांव के रोड पे, देहात में जो है रोड, वहाँ पे सुबह या दोपहर को ट्रैफिक इतनी हो जाती है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कहीं आने जाने में। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, हम देहात में हैं तो बाइक का जो है वो सही हमारा, लेकिन जो सिटी में है ज़्यादातर लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। और मेरी बात मानो तो ज़्यादातर जो भी लोग आएँ उनसे बताओ कि तलाबात में आना कोई बुरी बात नहीं है, बस उसमें जो सैलरी पे आएंगे, मासिक सैलरी पे आएंगे, कि जैसे 120 दिनार हो गया या 40 हो गया, और उनका जो होता है तो ट्रिप नहीं मिलता है, उनका टारगेट रहता है महीने का, आपको 400 टारगेट देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि महीने का 400 350 टारगेट होता है, कि आपको इतना टारगेट दे देंगे, उसके बाद आपको जो टारगेट देंगे उससे ऊपर देंगे तो आपको ट्रिप में दिया जाएगा पैसा, चाहे 300 400 फील्स या एक डिनर फील्स दिया जाएगा एक ट्रिप का, इस हिसाब से दिया जाता है। जो भी लड़के आते हैं इंडिया से, देखो तलाबात में 2 लाख 2.5 लाख रुपये खर्चा करके आते हैं यहाँ पर बाइक राइडर में, उससे अच्छा है बाइक राइडर से अच्छा है फोर व्हीलर में आए, आपको सबसे अच्छी है, और वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि फोर व्हीलर जो होती है, जो ड्राइवर हैं इंडिया में अच्छे खासे ड्राइवर हैं भाई, नए ड्राइवर यहाँ पे नहीं आए, जो गाड़ी सीख कर आ रहे हैं वहाँ यहाँ पर मत आए विदेश में, मेरी बात माने दो। और जो पुराने ड्राइवर हैं वो आ सकते हैं,
क्योंकि पुराने ड्राइवर आएंगे जो इंडिया में गाड़ी चलाए हैं कहीं पर भी, वो सक्सेस जाएंगे। उनको लोकेशन से यहाँ पे हर जगह जाना पड़ता है, कोई भी बात हुआ तो लोकेशन से जाना पड़ता है, लोकेशन से हर चीज़ लाना पड़ता है, तलाबात मतलब जहाँ लोकेशन जाएगा वहाँ पर जाना पड़ता है और ऑर्डर पहुँचा करके फिर आना पड़ता है। वो लोग भी कभी कभी ट्रिप दे देते हैं, 150 का ट्रिप दे देते हैं, तो अच्छी बात है। तो उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा सिस्टम है तलाबात में कि आप आओ तो फोर व्हीलर में आओ, और आओ तो मासिक सैलरी पे मत आओ, मासिक सैलरी पे मत आओ, क्योंकि मासिक सैलरी जो होती है आपको 120 या 100, 110, 140 इससे ज़्यादा नहीं दे सकते वो लोग। और हो सकता है आपको खाना भी अच्छा ना मिले और रूम भी अच्छा ना मिले। अगर आप आएंगे ट्रिप के ऊपर आएंगे, अगर आपके कोई पहचान वाला है, कोई भी पहचान दोस्त यार या रिश्तेदार हैं, तो ट्रिप पे आएंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप जितना ट्रिप मारेंगे आपको 600-700 फिर से नीचे नहीं मिल सकता एक ट्रिप का। तो आप कम से कम दिन में अगर 10 ट्रिप मार देंगे तब भी आपका 5 या 6 दिनार हो जाएगा, तो 6 दिनार हो जाएगा। लेकिन मारने वाले तो ऐसा होता है 20-25 ट्रिप मार देते हैं, अगर उनको ऑर्डर मिल जाए तो 20-25 ट्रिप मार देते हैं। तो बोल रहे थे कि हमारा महीने का 350 दिनार लास्ट जो होता है हमारा 250 दिनार आ जाता है महीने का, वो लोग बता रहे थे कि 250 दिनार आ जाता है। अब मेरे एक और पहचान वाले हैं, उनसे मैंने बात किया फ़ोन पे, वो भी बोले कि हमारा महीने का 350-350 दिनार महीने का आ जाता है आराम से। वो फोर व्हीलर चलाते हैं, ये लोग टू व्हीलर थे, वो फोर व्हीलर चलाते हैं, वो महाराजगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हम फोर व्हीलर चलाते हैं, हमारा महीने का 350-350 दिनार आ जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो हाउस ड्राइवरी से तो लाख गुना अच्छा है। आओ तो या तो कंपनी में आओ, किसी भी कंपनी में आओ, आप 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, आराम करेंगे, टेंशन फ्री।